हे फूडीज, इट्स मी रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड करेला चाट की रेसिपी, जिसे पापड़ी चाट भी कहते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। करेला बनाने के लिए हमने ये मैदा, ऑयल, नमक, जीरा पाउडर और पानी, इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें मिक्स करके इसका एक टाइट आटा गूंथ लेंगे। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। हम आटे की इस तरह की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम इन लोइयों को पूरी के आकार का बेल लेंगे। अब हम इन्हें बीच में से कट लगाएंगे, दोनों किनारों को छोड़ देंगे। हम इन्हें हाथों की मदद से अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे और इनके किनारों को आपस में चिपका के जाएंगे। इस तरीके से करेले का शेप हम इनको देंगे। इसी तरीके से मैंने सारी बना के रख ली है। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। लीजिए, हमारी करेला पापड़ी बनके तैयार है। अब हम चाट की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए मीठा दही, हरी चटनी, खजूर इमली की चटनी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। गार्निशिंग के लिए हम लेंगे हरी मिर्च, पुदीना की पत्ती, अनार के दाने, हरा धनिया, कटा हुआ प्याज और आलू भुजिया। अब हम स्ट्रीट फूड स्टाइल दोने में अपनी पापड़ियों को रखेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही। अब इसमें खजूर इमली की चटनी डालेंगे। अब इसमें हरी चटनी डालेंगे। इसमें मैंने काला नमक डाला है, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अनारदाने, आलू भुजिया। हम इसे डेकोरेट करेंगे पुदीने की पत्ती के साथ में। लीजिए, हमारी चाट बनके तैयार है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे आने वाले डिलीशियस रेसिपीज के लिए।